ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। स्पेशल कोर्ट ने एक दिन पहले ही दो कथित जो मुलजिम है, जिन पर इल्ज़ाम है, उन्हें जमानत दी। कल तीन लोगों की जमानत हो गई और हमें लगता है जमानत तो जिन धाराओं को लेके केस बनाया गया था उसे किला कोर्ट में ही जमानत दे देनी चाहिए थी, लेकिन एनसीबी अलग अलग दलीलें हर बार पेश करने का काम करती है, केस को उलझाने का काम करती है, झूठी बातें करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे कैसे रहें, ये इनका पहली बार नहीं, हमेशा का प्रयास रहा है, खास करके वानखेड़े के आने के बाद। हमें लगता है बेल मिली है, लोग अगर ढंग से चीज़ों को करेंगे तो ये मामला ही पूरी तरह से निरस्त हो सकता है। हाईकोर्ट में अगर लोग जाएंगे तो हमें लगता है लोग जाएंगे, लेकिन जिस तरह से इस एक महीने के भीतर लगभग जो चीज़ें बदल रही हैं, हर दिन नई नई चीज़ें, हमें लगता है वानखेड़े साहब ने सारा हथकंडा अपना लिया। पहले लोगों को कहने लगे कि मेरे परिवार के लोगों को इसमें घसीटा जा रहा है, मेरी मरी हुई माँ को घसीटा जा रहा है, मैंने कभी भी उनकी माताश्री उनका ना नाम लिया, ना कभी सार्वजनिक रूप से उन पर कोई उंगली उठाई। मैंने जो बर्थ सर्टिफिकेट डाला था उसमें दाऊद वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है, इतना ही मैंने कहा था। मैंने उनकी बहन को लेके इसलिए सवाल खड़े किए थे क्योंकि बहुत सारा फ्लेचर पटेल के लेडी डाउन कहने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई। उनकी पत्नी के खिलाफ आज तक जो पहली पत्नी है उसकी तस्वीर हमने डाली, लोगों ने सवाल पूछा कि ये तस्वीर क्यों डाली है, कहीं से मुझे 2 बजे रात में वो तस्वीर भेजी गई और उसमें मैसेज आया कि जिसकी तस्वीर है उसकी इच्छा है कि ये तस्वीर आप सार्वजनिक करें, इसलिए मैंने तस्वीर डाली। लेकिन उनकी जो अभी पत्नी है उनके विषय में ना मैंने कभी उनका नाम लिया या उनके बारे में कोई टिप्पणी मैंने नहीं की। हमें लगता है कि लड़ाई ये किसी के परिवार से नहीं, किसी के धर्म को लेके नहीं, मेरी लड़ाई सीधी है जो नाइंसाफी है उसके खिलाफ है। आज भी मुंबई के जेलों में 100 से अधिक लोग बेगुनाह ये बंद हैं जिन्हें नाजायज तरीके से फंसाया गया। अब स्पेशल 26 वाला एक खत हमने डीजी एनसीबी को लिखा था, पहले ये कहा गया कि हम इसकी जांच करेंगे, दखल लेंगे, फिर ये खबरें आ गई कि जिस अधिकारी ने ये जानकारी दी है उसने अपना नाम नहीं कहा है। हाँ, हमें जानकारी है, हम राजनीति में हैं, मंत्री कई बार रह चुके हैं, कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एक आदेश है कि अगर कोई अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है तो ऐसे कंप्लेंट्स का कोई दखल लेने की ज़रूरत नहीं। हमें लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है। जिस तरह से 26 मामलों का जिक्र हुआ है, उस 26 मामलों में आप जांच करें हम मांग करते हैं, क्योंकि जो 22 नंबर पे एक मामला उस खत में लिखा था जिसमें एक नाइजीरियन को बेगुनाह तरीके से खारघर में फंसाया गया और उसमें जो विटनेस है उस विटनेस कांबड़े ने कई मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा और सारी घटना बताई कि मेरे ही मुखबिरी पे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लोगों ने छापेमारी की थी, लेकिन जो नाइजीरियन ड्रग पेडलर था वो भाग गया। उसके बाद उससे कहा गया कि यहाँ नाइजीरियन लोग कहाँ रहते हैं, सभी नाइजीरिया के लोग इस देश में ड्रग्स का कारोबार करते हैं, ये किसी की समझ होगी तो गलत है, गरीब देश है, कुछ
ड्रग बेचते होंगे, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन नाइजीरिया के नागरिक बड़े पैमाने पे भारत में जो कपड़े हैं, जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, उसको यहाँ से खरीद के अपने देश में भेज के उसका भी कारोबार बड़े पैमाने पे करते हैं। घर घर में एक उनका किचन है, जैसा कि कांबड़े ने कहा, ये सब लोग वहाँ पे गए, वहाँ डीवीआर था, उस डीवीआर को तोड़ दिया, वहाँ से एक बच्चा और एक नाइजीरियन को साथ में ले आए, जिसकी उम्र कम थी उसे छोड़ दिया गया, और उस नाइजीरियन को जाली केस में, फर्जी केस में फर्जीवाड़ा करके जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। और उसी जो उनका पंच है, विटनेस है, उसने कहा है कि ये मामला पूरी तरह से फर्जी है और उससे ब्लैंक पेपर पे साइन लेने का काम एनसीबी के अधिकारियों ने कहा और उससे ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर लिए गए। आज मैंने एक खत लिखा है फिर दोबारा डीजी एनसीबी को, मैं अभी आप लोगों को दूंगा और ट्विटर पे भी उसे रिलीज़ कर दूंगा। मैंने उसी मामले का हवाला दिया है कि आप सीवीसी की गाइडलाइन के तहत ये 26 मामलों को बंद ना करें, 26 मामलों की जांच कराएं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप गुनहगारों को सजा दें, पकड़ें, लेकिन बेगुनाह अगर कोई जेल के पीछे सैकड़ों की तादाद में है तो उसकी जांच होनी चाहिए। खत के जरिए आज दोबारा मैं मांग करने वाला हूं कि इस विषय की जांच हो और जो बेगुनाह हैं उनके न्याय मिले, और जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके बेगुनाहों को जेल में डाला है उन्हें भी दंडित किया जाए। ये हम आज खत के जरिए मांग कर रहे हैं, खत हम आपको देंगे। दूसरी एक बात मैंने कही थी कि दाढ़ी वाला कौन है, वो दाढ़ी वाला है काशिफ खान, फैशन टीवी का इंडिया हेड है, देश भर में फैशन शो कराता है, उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है, बड़े पैमाने पे सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है। और उस दिन के जो आयोजन थे उसमें एक आयोजन उसकी तरफ से भी, काशिफ खान की तरफ से भी किया गया था। उसने सारे इनविटेशन सोशल मीडिया पे डाले थे और उस दिन वो व्यक्ति क्रूज पर संडे के दिन 6:23 का एक वीडियो, जो उन्हीं के साइड से मैंने निकाला है, अपनी माशूका के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने उस दिन सवाल पूछा था, वानखेड़े साहब ये दाढ़ी वाला कौन है, इस दाढ़ी वाले को आपने क्यों नहीं पूछा, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है, और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। एक अधिकारी ने मुझे कहा कि कई बार हमने इनके ऊपर छापेमारी करने की कोशिश की, लेकिन समीर वानखेड़े ने काशिफ खान पर कार्रवाई करने से लगातार हमें रोकने का काम किया। 3 दिन पहले मैंने सवाल उठाए थे, ईमानदार अफसर काशिफ खान को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है, क्या उसकी गिरफ्तारी से इनके राज खुलने वाले हैं। हमें लगता है इतना दलदल है इसमें कि जितनी खोज की जा रही है उतने सारे मामले सामने आते जा रहे हैं। आज दाढ़ी वाले की बात थी हमने की, और कल से मैं देख रहा हूँ कि पहले तो 4 दिन तक टेलीविज़न पर मुझे धमकी दी गई वानखेड़े साहब के परिवार की तरफ से कि हम इन्हें कोर्ट में घसीटेंगे। मैंने कहा कि बिना पैसे वाला केस कैसे लड़ा जाता है, 499 और 500 में डिफेमेशन का मामला दर्ज करके आप मुझ पर मुकदमा दर्ज कर दीजिए, मैं जमानत लेके अपना केस स्वयं लड़ूंगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नवाब मलिक न्यायालय में जाएं, न्यायालय में तो वानखेड़े साहब गए, बड़ी
अचंभव की बात है कि परसों एक याचिका हाईकोर्ट में दर्ज की गई और उसमें मांग की गई कि नवाब मलिक को सार्वजनिक रूप से मीडिया से बात करने से उन पर रोक लगाई जाए, उनको ट्विटर पे कुछ लिखने से रोका जाए। न्यायालय ने हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस साहब ने उस पर आदेश देते हुए कहा कि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, हम छुट्टी के बाद रेगुलर इसको देखेंगे। क्या सोचता है ये अधिकारी? क्या इस देश में नाजायज लोगों को जेल में डाल देगा? क्या यह देश के नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, राइट टू स्पीक, वो भी ये छीन सकता है? हमें लगता है किसी को बोलने से रोकना आज़ादी ख़त्म करना है, किसी को लिखने से रोकना आज़ादी ख़त्म करना है। आज़ाद भारत में किसी को बोलने से रोका नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति गलत बात करता है, किसी के अधिकारों का हनन करता है, किसी की बदनामी करने का काम करता है, तो उसके लिए अलग अलग कानून है, उस पर मुकदमे चलाए जा सकते हैं और उस हथियार का इस्तेमाल होना चाहिए। कल तक जो अधिकारी ये लिख रहा था कि मुझे मुंबई पुलिस प्रोटेक्शन देने का काम करे, कल हाईकोर्ट में जाकर मुंबई पुलिस पर अविश्वास जताने का काम किया जा रहा है। क्या वजह है कि 8 दिन के भीतर जो पुलिस आपकी रक्षा करे आप गुहार लगा रहे थे, अब उसी पुलिस से आपका विश्वास हट गया? हमें लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे उन्हें डर लगने लगा है। कल उनके परिवार के लोग मुख्यमंत्री महोदय को उन्होंने एक पत्र लिखा है कि हम मराठी हैं, हमें मराठी होने के नाते आप सहायता करें, हमारी मदद करें। नवाब मलिक का परिवार भी 70 सालों से इस शहर में है। 59 का मेरा जन्म है। महाराष्ट्र के निर्मिति के पहले से परिवार तो ठीक है, नवाब मलिक भी इसी राज्य का एक नागरिक है, तो क्या नवाब मलिक महाराष्ट्र का नहीं, नवाब मलिक मराठी नहीं? लेकिन जिस तरह से कल पूरी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी हो गई, एक हमारे सुमैया साहब हैं, उनके घर पे पहुंच गए लोग, उनके साथ फोटो वायरल हो गई। जो मेरी शंका थी कि जो जिन है, भूत है, इसकी जान इसी तोते में है और तोता पिंजरे में कैद होने वाला है, इसलिए पूरी जिन जो राक्षसी सोच के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कहीं ना कहीं जिन घबराने लगा है कि कहीं तोता पिंजरे में चला गया तो और बहुत सारे राज खुलेंगे क्या? और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मैंने पहले दिन से ही कहा था कि महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र वानखेड़े के माध्यम से हो रहा है। एक केस रिया चक्रवर्ती से शुरू होकर एक केस वानखेड़े ने दर्ज किया है जिसमें फिल्म वालों की परेड लगाई गई। 1 साल से अधिक हो गया, एक भी गिरफ्तारी उसमें नहीं है। केस 1 साल से खुला है। अगर किसी केस में कोई गड़बड़ी होती है तो गिरफ्तारियां होनी चाहिए, उसी केस के जरिए उगाही का धंधा चल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं साथियों कि साजिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से।